हरे कृष्णा। तो आज मैं गौर निताई के लिए आपको 6 तरह के बॉटम बताने वाली हूँ। तो ये हैं पैंट्स, ठीक है, और इसके बाद ये है हमारी क्षत्रिय स्टाइल धोती, थर्ड है ये हमारा नॉर्मल धोती, उसके बाद है ये हमारा अष्ट सखी का स्पेशल धोती, उसके अलावा हम भगवान को केड़ी भी पहनाते हैं और ये एक अलग स्टाइल की धोती भी पहनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहले पैंट से शुरू करते हैं, उसमें देखिए ऐसे साइड से वेलक्रो लगा रहता है, तो इसका जो छोटा पोर्शन है ये वाला वो अंदर जाता है पैरों के बीच से। और साइड से हम ऐसे वेलक्रो लगा लेते हैं। तो इन पैंट्स पे हम वेस्ट में अगर स्टॉकिंग लगा दें और उत्तरी दे दें तो ये एक अलग स्टाइल लगता है। उसके बाद में हम ये केड़ी के साथ में ये पैंट पहनाएंगे, जैसे पैंट है ही और हमने ऐसे केड़ी पहना दिया। ये हमारा नॉर्मल स्टाइल धोती है, इसमें यहाँ वेलक्रो रहता है और यहाँ पे भी वेलक्रो रहता है। तो पीछे से आगे आके ऐसे हमको यहाँ फिक्स करना है और दोनों पैरों के बीच में से इसको निकाल के ले जाना है। और ये पीछे ऐड हो जाएगा। वेस्ट आप अपने हिसाब से टाइट और लूज कर सकते हैं। अब हम पहनाते हैं क्षत्रिय स्टाइल धोती, इसमें यहाँ पे दो बटन रहते हैं टिच बटन, पीछे से आपको आना है ऐसे यहाँ पे बटन लगा देना है, और जिसमें डबल साइड वेलक्रो है वो पैरों के बीच में से जाएगा और पीछे वाले वेलक्रो पे टच होगा, और एक और है ये ऐसे जाके पीछे से टच होगा। इसको आप ऐसे ऊपर करके शॉर्ट्स के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं और ऐसे 3/4 धोती के स्टाइल में भी यूज कर सकते हैं। ये हमारा अष्टमुखी का स्पेशल धोती है, इसमें आप ऐसे पीछे से आगे आए और ये वेलक्रो लगा है। इसके बाद ये दोनों डोरियां हैं उनको आप लेग्स के बीच में से ले जाइए और पीछे एक नॉट लगाने के बाद क्रॉस कीजिए। ध्यान रहे एक नॉट पीछे लगाना जरूरी है। फिर ऐसे आपने बांध दिया। अब ये धोती में आप ऐसे पीछे से फ्लैप्स को आगे भी कर सकते हैं बलून लुक देने के लिए, और चाहे तो आप पीछे भी ऐसे रख सकते हैं। इस धोती को आप ओनली स्टॉकिंग वेस्ट पे स्टॉकिंग या सैश बांध के भी यूज कर सकते हैं, और इसके साथ में हम केड़ी भी डाल सकते हैं स्कर्ट पैटर्न। हम अपने लास्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। इसके लिए नीचे से 3/4 धोती होना जरूरी होती है, तो हमारा ये धोती है ही, इसके ऊपर हमने ये पहना दिया।